नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे नमकीन चावल। नमकीन चावल बनाने के लिए एक कटोरी चावल को 2-3 बार साफ पानी से धो लिया है। इसके लिए हमने 2 बारीक कटे हुए प्याज, 1 कटा हुआ टमाटर, 1 कटा हुआ आलू, चावल बनाने के लिए तेल, राई, मूंगफली दाने, 2-3 सूखी लाल मिर्चें, हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च कटी हुई, पिसा हुआ धनिया, 2 लौंग, 4-5 काली मिर्चें, नमक, हल्दी पाउडर और 1 तेज पत्ता, और चावल बनाने के लिए पानी। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे। गैस हमारा ऑन हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे तेल। तेल हमने 1 छोटा चम्मच लिया है। अब इसमें हम डालेंगे राई, लौंग, काली मिर्चें। गैस को थोड़ा तेज कर लेंगे। तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्चें, हरी मिर्चें, अब हम डालेंगे इसमें बारीक कटे हुए प्याज, अब इसमें डालेंगे मूंगफली दाने, प्याज को हम हिलाएंगे, प्याज हमारे हल्के हल्के ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटा हुआ आलू, 2 के मसाले भी हम इसी में डाल देंगे। मसाले हमारे पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, टमाटर हमारे गल चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी। 1 कटोरी चावल लिए थे तो हम इसमें 2 कटोरी पानी डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे चावल, अच्छे से हिला देंगे। पानी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें ढक्कन लगा देंगे। हमने कुकर के ढक्कन लगा दिया है। अब इसे 2 सीटी आने तक पकाएंगे और फिर गैस ऑफ कर देंगे। 2 सीटी आ चुकी है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। कुकर की भाप निकल चुकी है। अब हम कुकर का ढक्कन खोलेंगे। देखिए हमारे चावल बनके तैयार हो चुके हैं।